वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगतां नाल दो चार गल्लां करनियां सी, बड़ियां शॉर्ट जिहियां गल्लां पर बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आ। 26 तरीक नज़दीक आ रही आ, कुछ क दिनां च सानू सारयां नूं ही इंतजार आ। साडे पंजाब जिहड़े साडे बंदे बैठे आ उहनां नूं वी, ते इत्थे जिहड़ियां संघर्षी शख्सीतां रूहां बैठियां उहनां नूं वी 26 तरीक दा सानू उड़ीक आ। अज दी मीटिंग सानू सारयां नूं पता बेसिट्टा रही, ते सरकार दा जो रवैया सी ओह वी सानू पता, पर जो साडे आगूआं दा रवैया सी ओ काबले तारीफ आ। ते मैं एक वारी ये कहना चाहना अज भी हुण मौका ते समा ओह आ गया जिथे हर तरह दे वखरेवे, हर तरह दीआं रणनीतियां चाहे कुछ वख वख होण, हर तरह दीआं सलाहां ओह इक हो जाणियां चाहीदियां। ते सानू हुण सब कुछ भुल के ऐन जमा मुठ्ठी अंगू एक हो जाना चाहिदा भी इहदे च कोई वड़ ना सके, सानू हला ना सके। अज मैं साडे जिहड़े किसान जथेबंदियां दे आगू आ सत्कार सहित उन्हां नू ये बेनती करदा, ते उन्हां नू ये गल उन्हां दे सामने निम्रता सहित रखदे आ भी उन्हां दे नाल आ, तुसीं लड़ाई दी अगवाही करो, असीं सारे नाल आ, किसे शर्त दे अधीन नहीं। उस अकाल पुरख वाहिगुरू की रजा च उस दे अधीन असी थोड़े नाल हाँ, क्योंकि संगत दे जज्बातां दी तरजमानी तुसी कीती आ। अज तक जो फैसले ले गए आ वह गुरु महाराज की रजा च, ते संगत दा जो 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 जज्बात सी उहनू देख के फैसले ले गए आ। सो देखो साडे मकसद एक आ, उत्थों तक जाण दे राह वक्खरे हो सकदे आ, पर हुण समां इह आ गया भी सानू गुरबाणी दा ते गुरु दा आसरा लैके लड़ना पऊगा। हुण मित्रों गल इह आ गई आ भी जो उस गुरबाणी ते गुरु दा आसरा लै लूगा, असी जंग च बैठे आ, इस जंग च साडा एका हुण इन्ना ज़्यादा जरूरी आ। हुण कोई गल इंपोर्टेंट नहीं, सिर्फ इको ही गल इंपोर्टेंट आ, इको ही गल महत्वपूर्ण आ भी असी एक रहीए ते साडे अंदर ना कोई वड़ जाए। हुण सब भुल जाओ किहड़ी जथेबंदी, भुल जाओ किहड़ी कोई पार्टी, भुल जाओ किहड़े कोई वक्रे वक्रे पिंडां दे या शहरां दे लोक आए आ, इत्थे सब एक आ, एक हो के लड़ना। ते जे साडा इस वेले हुण गुरु साहब साडा सबर भी परखणगे ते साडा सिदक भी परखणगे, सबर ते सिदक परख्या जाऊगा, ते जे गुरबाणी ते गुरु दा आसरा लैके चलांगे अगले 5-7 दिन, बस गुरु दे आसरे च रहो, उहदे ओट आसरे च रहीए, नाम ध्याईए, ते असी एक रहीए, इत्थों जित के जावांगे। हुण हंकार भी तोड़ांगे असी, ते निर्दई ते जालम जिहड़े हकूमत आ उहनां नूं उहदा चेहरा भी दिखावांगे। सो दृढ़ता आपदे अंदर ते निश्चा इहनूं भी धार लो। इन्नियां क गल्लां थोड़े नाल मैं करनियां सी, क्योंकि जिहड़ा जुगो जुग अटल आ ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब, ते उहदी बाणी उही आसरा ते उही रहना। बाकी जिन्नियां मर्जी लिखतां दुनिया च आपदी बुद्धी दे हिसाब नाल मनुखां ने लिखियां, ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਲਦੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਝੂਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੀ ਝੂਲਦੇ ਆ, ਸੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੀ ਝੂਲਦੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।